सो भाई लोग जस्ट अभी गणपति बप्पा पे सेशन करने के लिए यहाँ लेके जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी साथ में जाऊँ। और वैसे डांस वगैरह करने का प्लान है, बट साथ में जाने का भी सोच रहा हूँ। अब देखो, अगर लल्लू मामा और रोशन आते हैं तो फिर चला जाऊँगा, उन दोनों में से कोई एक भी आ जाएगा तो हम विसर्जन करने के लिए चले जाएंगे। बट अभी हम लोग बाहर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे गणपति जी का जो फेस्टिवल रहता है बहुत धूमधाम से मनाते हैं, एंड अभी विसर्जन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से कर रहे हैं। चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या कैसा माहौल है, फिर ये लोग आते हैं इनके साथ हम लोग जाएंगे विसर्जन करने। जस्ट मैं अभी देख के आ रहा हूँ, बहुत डेंजर सीन है, मतलब बहुत खतरनाक। आप लोग देख के खुश हो जाओगे। अभी मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, थोड़ा मामा लोग आ जाए, मेरे इधर ही हैं, तो मामा जैसे ही आते हैं उनको साथ में लेता हूँ, क्योंकि यार अकेले जाऊँगा मज़ा नहीं आएगा। इन लोग के साथ रहेंगे, मस्त डांस वगैरह करेंगे, और आप लोग को जैसे मैं दिखाऊंगा आप लोग पागल होने वाले भाई। इतना डेंजर मैंने कभी नहीं देखा, मतलब इतनी पब्लिक यार, 100 मीटर पूरा भरा हुआ है। 100 मीटर ऐसा है कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं। अभी जस्ट मैं डांस वगैरह करके वहाँ से आया हूँ, उसमें अभी टाइम लगेगा। यहाँ पे 2-3 झांकी और निकल रही हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं आगे। बाकी मामा इधर देखो, तुम जब से यही बोल रहे हो कि आ रहा हूँ नाचने वाला भी, क्या इधर ही रहेंगे तो ठीक रहेगा, वहाँ पे नाचते भाई, ये देखो नाचते तो है नहीं, वहाँ खड़े करके रखते हैं। अभी चलो यहाँ देखते, अगर यहाँ डांस का माहौल बनता है इधर डांस वगैरह करेंगे, नहीं तो फिर से उसी में चलेंगे। भाई कितनी भयंकर भाई पब्लिक, आप लोगों ने देखा होगा। अभी इधर 2-3 जगह हो रहा था, उधर मज़ा नहीं आया। हमारा रूम है ना उधर, मस्त होता है यार, उधर डांस करने मज़ा आता है। चलो उधर चलते हैं। क्यों मामा, ये बताओ, इधर मज़ा नहीं आ रहा डांस करने में ना? यहाँ पे आ यार। हाँ चल।
भाई लोग जस्ट अभी मैं और मामन तूफान मचा दिया भाई, इतना जम के नाचा, इतना जम के नाचा कि मजा आ गया। और सही बताओ आज थक गया हूं, ये पता है इतने दिन से यहाँ पे रह रहे लेकिन अभी ऐसे नहीं नाचे ना, सही बताओ। आधा कल परसों नाचा था, मतलब पिछले साल थोड़ा बहुत नाचे थे, बट ऐसा नहीं भाई, खतरनाक। तुम्हारा भाई रहता है ना, सब लोग इन्जॉय करते हैं भाई। फटाफट से इधर हम लोग थोड़ा रेस्ट करने आए भाई, बहुत ज़्यादा सांस वगैरह फूलने लगी थी, इसके बाद चलते हैं, फिर मिलते हैं। अभी ना थोड़ी बारिश होने लगी है, बट दिक्कत पता है बारिश की नहीं है। वैसे फ़ोन तो अपना वाटरप्रूफ है, बट इसको एक दो साल हो चुके हैं कि स्पीकर का साउंड थोड़ा कम हो गया, इसे बारिश में भिगा भिगा के। मेरे को इस बार डर लग रहा है यार, कहीं इस बार स्पीकर बंद ना हो जाए। हम डांस करके आ चुके हैं और गणपति बाबा का विसर्जन करने के लिए लेकर के हम वहाँ पे नहीं गए। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता, 12 ऑलरेडी बज चुके हैं। रोशन भाई कॉल रहा था वो अकेले रूम पे, तो हम लोग फटाफट से रूम में चलते हैं। एंड आप लोग कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो भाई शेयर कर दो सभी लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।